मैडम दीपक बावरिया जी भी नहीं आई और किरण चौधरी भी नहीं आई। नहीं किरण जी का तो देखो उसमें तो आप कुछ ऐसी बात ना लगाओ, इसमें कुछ ऐसा नहीं रखा। बाकी बावरिया जी ने कहा था कोई कारण हुआ होगा उनका जो नहीं आ पाए होंगे, कारण हुआ होगा उनका जो नहीं आ पाए होंगे। राहुल गांधी की तरफ से ये खास सुझाव आया है कि जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनको पहले लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। रणदीप सुरजेवाला कहाँ से चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी ये बोले कि जाकर पंचायत का चुनाव लड़ो, हम वो हुक्म मानेंगे। मैं और हम वो हुक्म मानेंगे। मैं और विजय की आप कल्पना कर रहे हो किस तरह का मैसेज लोगों को है? ये अन्याय पर हमने विजय प्राप्त करनी है, झूठ पर हमने विजय प्राप्त करनी है, जुमलेबाजी पर हमने विजय प्राप्त करनी है। जो 10 साल से हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उससे हमने न्याय दिलवाना है, उस पर हमने विजय प्राप्त करनी है। मैडम जब देश गुलाम था एक नारा लगा था कि बाहर छोड़ो अंग्रेजों के लिए, आज युवाओं को नौकरी के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी और खास तौर से तुम्हारी सहायता? देखो हम सभी हमारे साथी रणदीप जी ने बहुत डिटेल में बात बताई। आज बजाय इसके कि हम अपने नौजवानों को उनकी प्रतिभा का, उनकी कुशलता का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, उनको नौकरी दें, हमारे समाज के जीवन स्तर का की बेहतरी हो, अब मजबूरी में हमारे जवान जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप विदेशों में जाकर लड़ाई लड़ो। मैंने कहा पहले हमारी पीस कीपिंग फोर्स जाती थी यूएन के तहत, राजेश जी यहाँ पे बैठे, लेकिन आज हमारे युवाओं को कहा जा रहा है कि अपनी जान जोखिम में डालो, वहाँ जाकर दूसरे देशों के लिए उनकी लड़ाई लड़ो। तो हमारा मजबूर नौजवान आज के दिन देश छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। MSP के लिए किसान दिल्ली पूछ कर रहे हैं 13 तारीख को, क्या क्या कांग्रेस पार्टी में समर्थन करेगी? देखो कांग्रेस पार्टी ने MSP को कानूनी दर्जा देने के लिए पहले से कहा, और हमने किसानों का एक साल जब किसान बैठा रहा धरने पर, हमने उनका पूरा समर्थन किया, और हम बार बार उनके बीच में गए, उनके साथ बैठे, उनके साथ हमने रातें बिताई वहाँ पर, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, लेकिन किसान को झूठ बोल कर उठाया गया। और आज तक जो उनको वायदा किया था कि MSP को कानूनी दर्जा देंगे, कमेटी बनाएंगे, बिठाएंगे, उसका क्या हुआ, कहाँ लिप्त हो गई, किसी को कुछ मालूम नहीं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में कलायत की मजबूती कहाँ पर देखते हैं कांग्रेस पार्टी में? कलायत मजबूत है, अभी पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा की 10 की 10 सीट हम जीतेंगे इस बार, उसके पश्चात विधानसभा चुनाव आएगा। यहाँ पर पूरी मेहनत हो रही है और हमें विश्वास है कि कलायत भी इस बार हम जरूर जीतेंगे। मैडम दीपक बावरिया जी भी नहीं आई और किरण चौधरी भी नहीं आई? नहीं किरण जी का तो देखो उसमें तो आप कुछ ऐसी बात ना लगाओ, क्योंकि उस दिन हम सब साथ थे, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नहीं, ऐसी बात इसमें कुछ ऐसा नहीं रखा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बाबरिया जी ने कहा था आएंगे, कोई कारण हुआ होगा उनका जो नहीं आ पाए होंगे। राहुल गांधी की तरफ से ये खास सुझाव आया है कि जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनको पहले लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। चौधरी शमशेर सुरजेवाला के पुत्र रणदीप सुरजेवाला कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? दो बातें जान लीजिए, राहुल गांधी जी का ऐसा कोई सुझाव मुझे और शैलजा जी को तो मालूम नहीं कम से कम, पर कांग्रेस पार्टी ये बोले कि जाकर पंचायत का चुनाव लड़ो, हम वो हुक्म मानेंगे। मैं और शैलजा जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का हर आदेश, पार्टी का हर आदेश सर्वमान्य है, पर एक बात जान लीजिए, जैसा शैलजा जी ने कहा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो हम लेकर निकले हैं, ये जैसा मैंने कहा सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी है। हरियाणा के लोग आज एक तरह से अपने आप को असहाय, मजबूर और गुलामी की प्रथा के अंदर पहुंच गए हैं। हमें उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर जैसे अंग्रेज से छुटकारा दिलवाया था, एक बार फिर भाजपा और भाजपा जजपा के शासन से छुटकारा दिलवाकर
हरियाणा के लोगों को राज्य का असली मालिक बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा संघर्ष भी है। मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, जिस प्रकार से हजारों की संख्या में बारिश, ठंड, मौसम खराब होने के बावजूद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आए और जिस उत्साह से उन्होंने आशीर्वाद दिया शैलजा जी को, मुझे, हम सारे साथियों को, ये अपने आप में बयां करता है कि ज़मीन पर बदलाव हो चुका है, अब वो बदलाव संसद और विधायिका में नजर आए। देखिए, भगवान राम ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं, भगवान राम सत्य हैं, भगवान राम मर्यादा हैं, भगवान राम त्याग हैं, भगवान राम कुर्बानी हैं, भगवान राम वचन की मर्यादा के लिए 14 साल वनवास काटना है, भगवान राम शबरी के झूठे बेर को ग्रहण करना है, भगवान राम हिंसा और नफरत नहीं हो सकते, भगवान राम जात पात नहीं हो सकते, भगवान राम धर्म का बंटवारा नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान राम तो प्रेम है। तो जो लोग भगवान राम की आड़ में मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर राजनीति कर रहे हैं, उनको जनता जवाब देगी। हरियाणा की ड्यूटी पे सरकार। थैंक यू।